के तरफ से 30 तारीख को गोलचक्कर से लेके यूनिवर्स कार्यालय तक हल्ला बोल प्रदर्शन के लिए अभी हर शॉप में हर विभाग में मजदूर साथियों से जनसंपर्क अभियान आज से शुरू हुआ है। आज हम लोग शॉप एंड फाउंड्री में सैकड़ों मजदूरों से बात किए हैं कि आखिर वेज रिवीजन के लिए डेट पर डेट मिल रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जितना विलम्ब जितना महीना का विलम्ब होगा उतना मजदूरों का लॉस होगा और सेल प्रबंधन को इससे फायदा है। अब सवाल है कि ऐसा डेट पर डेट क्यों दे रहा है, तो मजदूरों को इतना थका देना चाहता है एनजेसीएस सेल प्रबंधन कि एक दिन जो मन चाहा वो देना चाहे वह दे देगा। मजदूर यह सोचे चलो भाई जो मिला सो मिला, लेकिन जय झारखंड बहुत समाज इसका सख्त विरोध करता है। अभी 8 दिन पहले हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 30 तारीख को हल्ला बोल प्रदर्शन के माध्यम से हड़ताल का नोटिस देंगे, जिसका प्रभाव सेल को भी पड़ा और उन्होंने आनन फानन में आज 20 दिन पहले 4 और 5 अक्टूबर का एनजेसीएस का डेट फिक्स किया है। आज 42-44 साल हम लोग नौकरी कर चुके हैं, आज तक कभी भी एनजेसीएस में इतना समय पहले कभी भी डेट फिक्स नहीं हुआ। कहने का मतलब मजदूरों के दबाव के सामने सेल प्रबंधन को घुटना टेकना पड़ा और 20 दिन पहले एनजेसीएस के बैठक के तिथि को घोषणा करना पड़ा है। हम लोग यह प्रबंधन से मांग करते हैं कि मुनाफा को देखते हुए में कम मैन पावर होते हुए भी मुनाफा इतना अधिक हो रहा है, इसके लिए हर बीएसएल कर्मी को 35,000 रुपया बोनस मिले और जो ठेकेदार मजदूर के बदलों जो प्लांट चल रहा है उसको मिनिमम 8.33 बोनस मिलना चाहिए और उनका भी वेतन वृद्धि इस एनजेसीएस के बैठक में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग 30 तारीख को गोल चक्कर से अधिशासी निदेशक संकाय कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग यह घोषणा करने वाले हैं कि अगर 4 और 5 तारीख को बोनस और वेज रिवीजन पर अगर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग फिर हड़ताल का नोटिस देंगे। यह घोषणा हम लोग 30 तारीख को करेंगे। धन्यवाद।